यार मैं JECRC में क्यों रहता हूँ, मैं JECRC में रहकर सिर्फ आप लोगों के लिए JECRC यूनिवर्सिटी की ही वीडियो बना पा रहा हूँ, JECRC फाउंडेशन की भी नहीं बना पा रहा हूँ। अब आप लोगों के कमेंट्स धड़ाधड़ आए जा रहे हैं कि यार भैया आप तो सिर्फ JECRC के बारे में ही बताते रहते हो, किसी और यूनिवर्सिटी पे वीडियो नहीं बनाते हो, हमें तो किसी और पॉइंट ऑफ व्यू हमें जानने को ही नहीं मिलता है। अब आपका पॉइंट ऑफ व्यू और ज़्यादा वाइड हो सके इसलिए मैंने स्टार्ट करी एक सीरीज जिसमें मैं आपको बताने वाला हूँ एक एक डेडिकेटेड कॉलेज के ऊपर वीडियो। अब वो जाकर वहाँ बनाऊँ या फिर यहाँ बैठे बैठे बनाऊँ, लेकिन आप लोगों को सभी कॉलेज के बारे में बताने की पूरी कोशिश करूँगा। तो आज मैंने एक यूनिवर्सिटी को ट्राई करने के लिए आपके लिए उसकी सारी डिटेल्स निकाली, उसके प्लेसमेंट से लेकर उसकी फीस को लेकर उसके फेस्ट को लेकर और आपकी कैंपस लाइफ को लेकर हर एक छोटी से छोटी चीज और बड़ी से बड़ी चीज को आपको बताने वाला हूँ इस वीडियो के अंदर। और वो यूनिवर्सिटी कौन सी होने वाली है? गलगोटियाज यूनिवर्सिटी। इस यूनिवर्सिटी के बारे में अपन छोटी से छोटी बातें तो जानने ही वाले हैं, लेकिन पहले ये भी समझ लो कि मैंने ये ही चूज क्यों करी। अब इस यूनिवर्सिटी को चूज करने का सबसे मेन पॉइंट यही है कि मैं प्राइवेट यूनिवर्सिटीज की बात करता हूँ और दिल्ली अपनी राजधानी है, तो सबसे पहले मैंने वहां से चूज करने का सोचा। बहुत इसके बारे में पता कर लेते हैं, ओवरव्यू भी मान लो इस यूनिवर्सिटी के बारे में जान लेते हैं। तो यमुना एक्सप्रेस वे पे ये बनी हुई है, 2011 में ये बन चुकी थी और प्राइवेट यूनिवर्सिटी होने के कारण इसका कैंपस बहुत ही बड़ा है, मतलब 52 एकड़ का आपको ये कैंपस देखने को मिल जाएगा। 13 बैच यहाँ से पास आउट हो चुके हैं और अच्छे अच्छे प्लेसमेंट ग्रैब कर चुके हैं। तो इनका भी सबसे पहला कॉलेज था गलगोटिया कॉलेज, जो कि बाकी कॉलेजेस के साथ ही ऐसा देखने को मिलता है कि सबसे पहले कॉलेज खुलती है और उसके बाद में यूनिवर्सिटी खुलती है। अब इनके यूनिवर्सिटी होने के कारण आप ये बात समझ ही गए होंगे कि यहाँ पर सिर्फ बीटेक नहीं है, यहाँ पे BCA MCA अलग अलग वैरायटी ऑफ कोर्सेज भी आपको देखने को मिल जाएंगे, जिनके बदौलत आप उनको भी ट्राई आउट कर सकते हो। अब बात कर लेते हैं कि आपका एडमिशन यहाँ पर कैसे हो सकता है। तो देखो, वो JEE मेंस के ऊपर भी हो सकता है, बोर्ड्स के ऊपर भी हो सकता है, CUET के स्कोर के ऊपर भी हो सकता है और CAT के स्कोर के भी ऊपर हो सकता है। अलग अलग कोर्सेज हैं, अलग अलग वैरायटी है, तो आपका एडमिशन किसी भी बेसिस पे हो सकता है, ये आपको खुद को फिगर आउट करना पड़ेगा। और अगर आप यूनिवर्सिटी पहुंच जाते हो तो वहां से आपके थोड़े फायदे भी हो जाएंगे, स्कॉलरशिप को लेकर या फिर और भी बेनिफिट्स आपको वहां पे देखने को मिल जाएंगे। तो और आप इनकी वेबसाइट पे भी जाकर देख सकते हो वहां पे इनके ऑफर्स इस साल में क्या क्या चल रहे हैं। अब बात कर लेते हैं आपके फेवरेट टॉपिक की, मतलब प्लेसमेंट की। यहाँ पे प्लेसमेंट ऑफर्स होते हैं आपको 8500 प्लस, मतलब सुन रहे हो कि कितना बड़ा नंबर है एक प्राइवेट यूनिवर्सिटी के लिए, तो बहुत बड़ा नंबर है। यहाँ का एवरेज पैकेज जाता है 5 लाख प्लस, मतलब एक नॉर्मल इंसान के लिए तो यार ये परफेक्ट होने वाला है। और हाइएस्ट पैकेज की बात करें तो यहाँ पे गया हुआ है 1.5 CR, मतलब करोड़ों में भी यहाँ पे लोग कमा सकते हैं अगर अच्छी मेहनत कर रहे हो तो। वैसे तो प्राइवेट कॉलेज में आपको खुद को मेहनत करनी ही करनी पड़ती है, लाइफ हो या फिर प्राइवेट कॉलेज, आपको खुद को मेहनत करोगे तो आप अच्छा ग्रो कर पाओगे। अगर इनकी वेबसाइट पे जाओगे तो आप खुद इनकी कंपनीज के रिक्रूटमेंट को देखकर शॉक हो जाओगे, क्योंकि वैसे तो इनके पास जो कंपनीज आने वाली विप्रो, TCS ऐसी बहुत सारी कंपनीज आती रहती है और वो अलग अलग प्राइवेट कॉलेज में भी आ जाती है, लेकिन यहाँ पे आने वाली 3 स्पेशल कंपनीज गूगल, अमेजोन एंड माइक्रोसॉफ्ट, ये कंपनियां आपको बहुत कम कॉलेजेस में देखने को मिलने वाली है। और यहाँ के प्लेसमेंट को लेकर या फिर इनकी प्लेसमेंट ड्राइव को लेकर बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत ही अच्छी बात मेरे को ख्याल लगती है कि यहाँ 1 से 2 साल का आपको प्लेसमेंट सपोर्ट मिल जाता है, ना कि आपका बस प्लेसमेंट हो गया और चल रहे बाहर निकल जाए। अब सिर्फ दिल्ली में रहने वालों के लिए ही थोड़ी है यूनिवर्सिटी, अब यहाँ से या फिर राजस्थान से या फिर किसी और देश से या फिर किसी और स्टेट से आप यहाँ पर जा रहे हो तो आपके लिए हॉस्टल एंड मेस फैसिलिटी जानना तो बहुत इंपॉर्टेंट है ना। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं रूम्स की। अब रूम्स भी आपको यहाँ पे ठीक ठाक देखने को मिल जाएंगे, उसी के अंदर यहाँ पे आपको फीस देखने को मिलती है 1,26,000 और 1,55,000। अब इस बीच में आपकी वैरायटी करेगी, अगर आपको डिटेल में जानना है तो आप वेबसाइट पे जाकर चेक कर सकते हैं। यहाँ पे आपका 2 GB का नेट भी कम पड़ जाएगा, क्योंकि यहाँ पे आपके लिए 24x7 वाईफाई की फैसिलिटी दे रखी है। जिम की बात करें तो जो जिम फ्रीक्स हैं उनके लिए सारे डंबल्स की फैसिलिटी, और जो जिम जाते हो उनको तो पता ही होगा सारे इक्विपमेंट्स आपको देखने को मिल जाएंगे। तो थोड़ी बहुत आपके लिए भी कर लेते हैं, तो उसके अंदर आपकी मेडिकल फैसिलिटीज यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगी। और तो और यहाँ पे फीमेल्स के लिए थोड़ा सा स्ट्रिक्ट हो सकता है कि यार गेट बंद करना है, यहाँ नहीं जाना है, वहाँ नहीं जाना है, क्योंकि दिल्ली में है यार, आप तो समझ नहीं सकते हो। अब बात कर लेते हैं यहाँ के मेस की। अब मेस आपको एयर कंडीशनर में देखने को मिल जाता है। खाने की बात करें तो यहाँ पे नॉर्थ इंडियन से लेकर साउथ इंडियन तक आपको फूड देखने को मिल जाता है। अब मैं ऐसे नहीं बोल रहा हूँ कि यार यहाँ का हॉस्टल बहुत ही अच्छा होने वाला है या बहुत ही गजब होने वाला है, यहाँ का मैस और हॉस्टल आपको बाकी प्राइवेट यूनिवर्सिटी के हिसाब का देखने को मिल जाएगा, सब कुछ ऐसा ही है, बाकी कॉलेज में भी आपको यही देखने को मिलता है, तो कुछ ऐसा कुछ खतरनाक नहीं।
अब कैंपस फैसिलिटीज़ के बारे में बात कर लेते हैं, क्योंकि वो तो आपके लिए यूनिक हो रहने वाली है। सबसे पहले बात कर लेते हैं खाने की। हाँ, खाने की यहाँ पे 15 से 16 आउटलेट आपको खाने के देखने को मिल जाएंगे, कैफे बोल लो या फिर उनको छोटा आउटलेट देखने को आपको मिल जाएगा। तो इस कैंपस के अंदर आप घुस गए हो तो आपको बाहर जाने की जरूरत नहीं मिलने वाली है, क्योंकि यहाँ पे WH स्मिथ की बीच को देखने को मिल जाएगी। सैलून्स भी आपको अंदर ही अवेलेबल हो जाएंगी और भी अदर फैसिलिटीज आपको अंदर ही देखने को मिल जाती है। और सही में आपका दोस्त या फिर आप खुद किताबी कीड़ा हो तो यहाँ पे आपको लाइब्रेरी विद एयर कंडीशनर 24/7 आपको देखने को मिल जाती है। अब बात कर लेते हैं कुछ एथलीट्स के लिए जो आगे बढ़ना चाहते हैं, जो रोशन करना चाहते हैं इंडिया का नाम, तो उसके लिए यहाँ पे स्पोर्ट्स फैसिलिटीज आपको बहुत सारी देखने को मिल जाएगी। बैडमिंटन खेलो, यहाँ पे क्रिकेट खेलो, यहाँ पे कैरम बोर्ड खेलो, यहाँ पे अलग अलग एक्टिविटीज करने का भी आपको मौका देखने को मिल जाएगा। ऐसा नहीं होने वाला आप हॉस्टल में जाओगे या फिर कॉलेज जाओगे, कॉलेज से आकर सिर्फ हॉस्टल में जाकर सो जाओगे। आपके लिए यहाँ पे अलग अलग एक्टिविटीज होने वाली है, आप बहुत सारे स्पोर्ट्स एक्टिविटीज में भी इन्वॉल्व हो सकते हो। और स्विमिंग के लिए यहाँ पे तो ओलंपिक साइज का भी आपको स्विमिंग पूल देखने को मिल जाएगा। तो कैंपस में ही देखिए तो आपको सोसाइटीज भी देखने को मिल जाएगी, मेरी भाषा में बोले तो क्लब्स भी आपको देखने को मिल जाएंगे। यहाँ पे दो फेमस क्लब हैं, जो है टेक्नो जैम, जहाँ पे आपको कोडिंग से रिलेटेड बहुत सारी चीजें देखने को मिलेगी, सीनियर्स मिलेंगे, उनसे बहुत ज्यादा सीखने को मिलने वाला है। और है यहाँ पर फोटोग्राफी क्लब जिसका नाम है कैम सर्कल। कैम सर्कल में भी आपको अगर फोटोग्राफी में इंटरेस्ट है या फिर वीडियो रिलेटेड इंटरेस्ट है तो आप वो क्लब भी ज्वाइन कर सकते हैं। अब फेस्ट तो यहाँ पर बहुत सारे होते रहते हैं, लेकिन उनमें से सबसे बड़ा है गलगोटिया यूनियन फेस्ट। यहाँ पे गुरु रंधावा से जैसे बहुत सारे आर्टिस्ट आपको देखने को मिल जाएंगे, पुराने आ चुके हैं, आपके टाइम पे भी बहुत नए नए आ जाएंगे। अब यहाँ पे फेस्ट वाले मजे तो होंगे, अब आपकी मेमोरीज भी बन जाएगी और बहुत सारे नए नए लोगों से मिलने का मौका मिलता है, तो आपका फ्रेंड सर्कल भी बड़ा हो सकता है। इस यूनियन फेस्ट के अंदर आपको पूरे 2 दिन एंजॉय करने का मौका मिलने वाला है, 2 दिन से आप बहुत सारी चीजें एक्सप्लोर कर सकते हो। एशिया की सबसे बिगेस्ट यूनिवर्सिटी NTU यूनिवर्सिटी जो सिंगापुर में सिचुएटेड है, उनके साथ इनका कोलैबोरेशन आपको देखने को मिल जाए। और सबसे यूनिक कोलैबोरेशन की बात करूं तो यहाँ पे एप्पल ने खुद ने यहाँ पर iOS ऐप डेवलपमेंट का सेंटर बना रखा है, जहाँ से बहुत सारे स्टार्टअप्स की आपको जॉब देखने को मिल जाएगी या फिर स्टार्टअप बिल्डअप देखने को मिल जाएंगे। और इन्हीं छोटे छोटे कोलैबोरेशन की वजह से यहाँ पे इंटर्नशिप लगने के चांसेस भी बहुत ज्यादा हो जाएंगे। अब बात कर लेते हैं फीस की। अब फीस यहाँ पर बहुत ही अफोर्डेबल रेंज आपको देखने को मिल जाएगी, क्योंकि यहाँ पे आप BTech का कोर्स इंक्लूडिंग हॉस्टल 10 से 12 लाख के अंदर कंप्लीट कर सकते हो। और अगर अदर कोर्सेज की फीस आपको जाननी है तो इनकी वेबसाइट पे भी जाके चेक कर सकते हो, जो कि मेरे हिसाब से तो काफी अच्छी रेंज में, क्योंकि प्राइवेट कॉलेजेस आज इससे ज्यादा तो रेट आपकी हाई देखने को मिल जाएगी, और दिल्ली के अंदर है तो मेरे हिसाब से काफी अच्छी रेंज है। और अगर आपका मन सिर्फ डिग्री करने का है तो मेरे हिसाब से दिल्ली के अंदर, आपको बाहर नहीं जाना है तो दिल्ली के अंदर आपके लिए बेस्ट होने वाला है। स्कॉलरशिप के आपको फीचर्स बहुत सारी वैरायटी में देखने को मिल जाएंगे, क्योंकि JEE मेंस का स्कोर भी आपको स्कॉलरशिप दिला सकता है, आपकी 12th बोर्ड के परसेंटेज भी आपको स्कॉलरशिप दिला सकते हैं, आपका हर एक एग्जाम का एंट्रेंस दिया हुआ पेपर वो भी आपको अच्छी खासी स्कॉलरशिप दिला सकता है। ये सारी चीजें आप वेबसाइट पे जाकर चेक भी कर सकते हो, और अच्छी खासी भी मेरे हिसाब से ये ठीक ठाक आपको 25% तक की स्कॉलरशिप आपको देखने को मिल जाएगी। मेन बात पे आ जाते हैं यार, कॉन्क्लूजन क्या है। कॉन्क्लूजन यही है कि अगर आप इस साइड रहते हो, दिल्ली के आसपास यूपी की साइड रहते हो, तो आपके लिए यूनिवर्सिटी बेस्ट होने वाली है, क्योंकि तो यहाँ पे आपके लिए अलग अलग कोर्स है, कैंपस लाइफ भी अच्छी है, तो यहाँ से आप अच्छी खासी डिग्री लेकर प्रूव कर सकते हो और खुद को भी अच्छा खासा ग्रोथ देकर इम्प्रूव कर सकते हो। लेकिन यार ये आप पे डिपेंड करता है कि आपको खुद को इम्प्रूव करना पड़ेगा। ऐसा नहीं होने वाला कि आप आज ही घुस जाओ और 4 साल बाद में 50 लाख 60 लाख के प्लेसमेंट लेके निकलोगे, वो बहुत कम बच्चे होते हैं, लेकिन एवरेज में भी आप अच्छा खासा प्लेसमेंट ग्रैब कर सकते हो। मेरी बात आपको गलत लगती है तो कमेंट करके बता देना, अगले किस यूनिवर्सिटी की मुझे वीडियो बनानी चाहिए तो वो भी आप कमेंट करके बता देना, उसकी डिटेल्स निकाल कर वो भी आपके लिए जल्दी से जल्दी वीडियो बनाने की कोशिश करूंगा, जो कि आपके काम आने वाली रहेगी। और मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।